तुर्गुत का किरदार अर्तुगरुल गाजी में बहुत ही अहमियत के हामिल है। ये अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है, एक ऐसा किरदार जो दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दे और अपने मकसद से पीछे हटने की बजाय शहादत का जाम पीने को बेकरार रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब दुश्मन ने तुर्गुत को कैद कर लिया था तो तुर्गुत ने किस तरह से रिहाई पाई और उनके वार को किस तरह से ख़त्म किया। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, दूसरे सीज़न में जब अर्तुगरुल दुहान को और तुर्गुत को शहीर को ढूंढने के लिए भेजता है तो तुर्गुत काफ़ी फ़ौज लगाने के बाद वो नयान का सुराग लगाता है। तो तुर्गुत दुहान को कहता है कि तुम अर्तुगरुल को जाकर खबर करो। मंगोल सिपाही तुर्गुत को ढूंढ लेते हैं और नयान के पास ले जाते हैं और नोयान इसको मारने लगता है, लेकिन शहीर के कहने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद तुर्गुत को वो अपना कैदी बना लेता है, लेकिन शहीर जो कि बज़ाहिर नोयान के कहने पर ही सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन दिल में वो अपनी सल्तनत और रवायात का पाबंद होता है और उनके साथ मुखलिस होता है। उसके बाद वो तुर्गुत की मदद करता है और तुर्गुत भागने में कामयाब हो जाता है। तुर्गुत को भागते हुए मंगोल देख लेते हैं। आयन वक्त पर ही बामसी, दुहान और अर्तुगरुल आ जाते हैं और तुर्गुत के साथ मिलकर मंगोल सिपाहियों को अच्छा सबक सिखाते हैं। नाज़रीन, सीज़न 4 में अब एंट्री होती है बहादुर भाई की। बहादुर भाई जो बहुत होशियार चालाक होता है और अमीर सादतीन के कहने पर वो इन ज़मीनों पर आता है। उसका अवलीन मकसद होता है कि चावदार कबीले का सरदार बनना और उसको अपने कब्ज़े में ले लेना, और उसके बाद उसका मेन मकसद होता है कि सरदार आला बनना। लेकिन वो इसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो करता है, जो रिश्ते में असलान खान का चचा लगता है। तुर्गुत की वापसी में पहली ही मुलाकात बहादुर भाई से होती है और पहली ही मुलाकात बहुत महंगी पड़ जाती है, लेकिन बहादुर भाई तुर्गुत को अपने रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट समझने लगते हैं। बहादुर भाई जो अपनी अना पर कायम होते हैं, तुर्गुत और अर्तुगरुल को रास्ते से हटाना अपना पहला अमली फरीज़ा समझते हैं। बहादुर भाई जिसे अमीर सादतीन की हमायत हासिल होती है, अब वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो बहादुर भाई काराचाहीसार किला के गवर्नर की हमायत करने लगता है। बहादुर गवर्नर आरस के साथ मिलकर तुर्गुत और अर्तुगरुल को रास्ते से हटाने के लिए एक जाल बिछाता है। उसका पहला कदम ये होता है कि वो तुर्गुत की गैर मौजूदगी में अपने मरकजी खैमे पर हमला करता है और फिर बाद में असलान खान को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे अपना कैदी बना लेता है। जब तुर्गुत वापस कबीले आता है तो उसे पता चलता है वो गुस्से से बेकाबू हो जाता है, लेकिन असलान हतून को अपनी ढाल बनाते हुए बहादुर भाई तुर्गुत के सामने ले जाता है और तुर्गुत को हथियार डालने पर मजबूर करता है। बहादुर भाई जो कि असलान हतून को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है और तुर्गुत को फिर वो अपना कैदी बना लेता है। सांजार जो बहादुर भाई का बेटा होता है, वो तुर्गुत पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है, लेकिन तुर्गुत बहादुर की बैत नहीं करता और मरने को ज़्यादा तरजीह देता है। जब अर्तुगरुल तक ये बात पहुंचती है तो अर्तुगरुल कबीले में आकर बहादुर भाई का पर्दाफाश कर देता है, जो मामलात आरिस और बहादुर के दरमियान में होते हैं, और उसके बाद सांचार और फिर बाद में बहादुर भाई को गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत देता है और उनको वासिले जहन्नम कर देता है। और जब के बामसी अपने दोस्त तुर्गुत को कैद वाले हेमे से आज़ाद करवा देता है। अब नंबर 1 पे आता है। नाज़रीन, पहले सीज़न में तुर्गुत को जिस्मानी तशद्दुद और ज़हनी अजियत के साथ इतना तवील सिलसिला होता है जिसके बारे में सोच कर ही इंसान कांप उठता है। जब अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान और इसके अहले खाना को हलब लेकर जाता है तो रास्ते में सलीबी हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल के कहने पर तुर्गुत शहजादे को लेकर वहाँ से निकलता है और तीतुस जो के अर्तुगरुल के कबीले में अबू हशाम के तौर पर सामने आता है, वो तुर्गुत और शहजादे को पकड़ लेता है। तुर्गुत को सलीबी किला में ले जाया जाता है। तुर्गुत को तशद्दद करने के साथ साथ एक ऐसा मशरूब भी पिलाया जाता है जिससे वो अपनी सदाकत को भूल कर, अपनी वफादारी को भूल कर वो सलीबियों के साथ मिल जाए। तुर्गुत को अपने सिपाहियों में शामिल करना इनका मेन मकसद होता है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाबी हो जाते हैं। आखिरकार जब अर्तुगरुल सलीबी किले के अजीम रहनुमा थॉमस को पकड़ लेता है और इसके बदले में तुर्गुत की रिहाई चाहता है, सलीबी जो बहुत होशियार चालाक होते हैं तुर्गुत के हाथ में एक खंजर पकड़ा देते हैं। तुर्गुत जिस पर मशरूब का असर होता है, लिहाजा वो अर्तुगरुल को अपने खंजर के फवार से जख्मी कर देता है। अर्तुगरुल बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। ऐन वक्त पर बामसी और दुहान वहाँ पहुँच जाते हैं। तुर्गुत उनको भी बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन तुर्गुत को कैद करके कबीले में वापस ले जाया जाता है। कुछ ही अरसा में अर्तुगरुल की हालत बेहतर होती है तो अर्तुगरुल तुर्गुत को माफ कर देता है और तुर्गुत कुछ ही अरसा में अपनी पहली हालत में वापस आ जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।